आज आपके विद्यालय का जो परीक्षा फल आया है उसमें हाई स्कूल व इंटर के छात्र छात्राओं ने आपके विद्यालय का नाम कितना रोशन किया है? निश्चित तौर पर हर साल की बात है, जैसे कि हम लोग 11-12 साल से लगातार डिस्ट्रिक्ट मेरिट में और कम से कम 5 साल से हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश मेरिट में रहने का काम कर रहे हैं। इस बार भी बच्चों का जो रिजल्ट आया है प्रमोटेड रिजल्ट है, तो निश्चित तौर पर खुशी की बात है कि आज भी बच्चों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसमें कुछ छात्र छात्राएं ऐसी हैं जो कि गत वर्ष भी वो आपके विद्यालय के टॉपर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जैसे ट्वेल्थ में जैनब बच्ची है जिसने टॉप किया है, 94% मार्क्स जिसके आए हैं, वो लास्ट ईयर भी उत्तर प्रदेश मेरिट में थी, उसका 8th पोजीशन था उत्तर प्रदेश में। तो ये जो प्रमोटेड रिजल्ट है वो उसी के आधार पर है, पुराने हाई स्कूल का रिजल्ट प्लस फर्स्ट ईयर और आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम और ट्वेल्थ का हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर्स आए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि बच्चों ने जो मेहनत करी है उसका उन्हें फल मिला है। आप छात्रों के भविष्य की क्या कामना करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि सभी छात्र जो भी उनके सपने हैं वो पूरे हों और संस्थान सदैव उनके साथ है, जब भी उन्हें संस्थान की आवश्यकता पड़ेगी संस्थान का सहयोग करेगी। यदि आगे पढ़ाई में आपकी तरफ से कुछ उनको कभी आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है तो क्या उसमें संस्थान या आपकी तरफ से कुछ निजी सहायता दी है? इसमें तो कोई संकोच ही नहीं है, हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। कुछ गरीब बच्चे हैं जो अगर पढ़ना चाहते हैं, फिर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर किसी बच्चे में हुनर है और वो आगे बढ़ना चाहता है तो हम लोगों का पूरा स्टाफ और पूरा संस्थान मैनेजमेंट उसके सहयोग में लग जाता है। और कई बच्चे यहाँ से गए हैं, कुछ सीए बने हैं, कुछ अधिकारी बने हैं, तो हम लोग के लिए खुशी की बात है, उनकी खुशी में हम लोग सब खुश हो जाते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए आप विद्यालय को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं जिससे बच्चों का परीक्षा फल इतना अच्छा हो पाया है? देखो, ये तो सर्वविदित है कि कोविड जब से आया है तब से पढ़ाई में थोड़ा सा परेशानी जरूर आई है, लेकिन हम लोगों ने खुद के ऐप बनाए हैं, कॉलेज का ऐप भी इस समय रन हो रहा है, कॉलेज ऑनलाइन एजुकेशन अच्छे से अच्छी जो व्यवस्था हम कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। तो उसी को हम लोगों ने बच्चे जब 12th में फर्स्ट टाइम जब कोविड के लिए लॉकडाउन हुआ था तब भी हम लोगों ने यही किया था। उसके बाद हम लोगों को मौका मिला, जब प्री बोर्ड कराया तो बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऑनलाइन भी हम लोग सफल हुए हैं, उड़ते नहीं लेकिन काफ़ी अच्छी मात्रा में हम लोगों ने बच्चों को जो सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ाया। आप देख रहे हो सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर।